दोस्तों नमस्ते, ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे खजूर के लड्डू, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ है 500 ग्राम खजूर, जिसका हम दाना निकल कर छोटा छोटा टुकड़े में काट लिए। ये देखिए इसका दाना, इस तरीके से दाना आता है, निकल देना ज़रूरी है। दोस्तों इस तरीके से पैकेट आता है चना दाल का, तो आज इसी का लड्डू बनाएंगे हम। दोस्तों कढ़ाई हमारे गर्म है और कढ़ाई में 2 चम्मच घी है। अब डालेंगे हम खजूर, इसका दाना निकाल कर छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए। दोस्तों डालेंगे इलायची की दाना और गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम भुना हुआ चना। ये भुना हुआ ही है, पैकेट में ही पहले से ही भुना हुआ था, मार्केट में मिल जाता है इजीली। और धीमी धीमी इसे मिक्स करेंगे धीरे धीरे। ये बहुत गर्म है, मिलाते मिलाते ठंडा हो जाएगा, तब इसका लड्डू बनाएंगे। दोस्तों अब थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे अच्छे से मिक्स करके लड्डू बनाएंगे। दोस्तों एक बार हाथों से अच्छे से मिक्स कीजिए और उसके बाद लड्डू बनाइए। दोस्तों इस तरीके से मुट्ठी भर के लीजिए और लड्डू बनाइए। आधा लड्डू बन चुका है दोस्तों, ये आधा बचा हुआ है, बना रहे। दोस्तों हमारा लड्डू बनके है रेडी। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों गरम गरम दूध के साथ एक लड्डू खाएंगे तो आपको भूख लगेगा नहीं। तो दोस्तों तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं, 200 ग्राम ये चना लीजिएगा और 500 ग्राम खजूर लीजिएगा, तो ये परफेक्टली मेजरमेंट है, तो अच्छे से लड्डू बन जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।